बिजनेस आइडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए 12 महीने चलने वाले टॉप 3 बिजनेस आइडिया लेकर आया, जिसे स्टार्ट करके आप बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। पहले नंबर पे है चिप्स बनाने का बिजनेस। आपने चिप्स का मार्केट देखा ही होगा, कितना बड़ा मार्केट होता है। आपने हर दुकान पर चिप्स के पैकेट हमेशा ही रहते हैं दोस्तों, तो इस हिसाब से देखा जाए इसकी डिमांड बहुत अधिक है। आपने देखा हो कहीं पर दुकान चिप्स की हमेशा डिमांड रहती है। यदि आप चिप्स बनाना स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले इस पर थोड़ा अधिक इन्वेस्टमेंट करना होगा। यदि आप इस पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उसे एक बार इन्वेस्टमेंट करके आप अपने चिप्स आसानी से सेल कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ मशीनें खरीदनी होंगी जो चिप्स बना सकते हैं, और आप इसे स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा अच्छे नॉलेज ले लें, जिससे क्या होगा आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, और अब दिक्कत नहीं होगा तो आप इस अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। ये बिजनेस में आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट तो है, यदि आप एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो इससे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो दोस्तों ये बिजनेस 12 महीने चलने वाला बिजनेस है, और ये बिजनेस कभी खत्म हो नहीं होगा दोस्तों, इससे आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इस पर दूसरा नंबर पे है डेयरी एवं स्वीट पार्लर बिजनेस। आपने देखा होगा डेयरी, आपने कहीं शहर पर भी देखा होगा, वे हमेशा चलते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा वहाँ दूध की चीज़ें बहुत सारी रखी रहती हैं, और स्वीट मिठाइयाँ बहुत सारी चीज़ रखी होती हैं। तो आपने देखा होगा शादियों के सीजन में, त्योहारों के समय में ये दुकान में तो बहुत अधिक भीड़ लगी होती है, और लेकिन ये बिजनेस एक 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। दूध प्रोडक्ट का उपयोग हर व्यक्ति करता है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये बिजनेस एक 12 महीने चलने वाला है। स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन देखना होगा, जहाँ से लोग अधिक आते जाते हो और जहाँ पर भीड़ भी बहुत ही बढ़िया हो। आप ऐसे जगह पर खोलते हो तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आप इसे स्टार्ट करने के लिए एक छोटे से शॉप बना सकते हो, और आप शॉप नहीं बना सकते हो तो वहाँ पर एक किराए से ले लीजिए। आपका बिजनेस चलता है नहीं ये देखने के बाद आप अपने खुद का एक शॉप बनवा सकते हो। ये बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमाते हो तो आप अपने शॉप डलवा सकते हो। तो इस प्रकार से आप ये बिजनेस से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो दोस्तों। इस पर तीसरा बिजनेस है सब्जी एवं फलों की दुकान। सब्जी और फलों की दुकान एक 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। इसे स्टार्ट करने के लिए आप 10,000 से 15,000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करके इससे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। आपको क्या करना है, आपके कहीं पर भी मंडी लगती हो, सब्जी मंडी या फलों की मंडी, तो वहाँ पर आप बहुत ही सस्ते दाम पर आप सब्जी और फल खरीद लीजिए, और ख़रीदने के बाद आप अपने बस स्टैंड के पास या आपके चौराहे इलाके पर जहाँ पर अधिक भीड़ होती हो, ऐसे जगह पर आप छोटा सा आप वहाँ पर दुकान खोल लीजिए। ऐसे ही खोल लीजिए, वहाँ पर आप तिरपाल डाल सकते हो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके 5,000 से 6,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर एक तिरपाल बनवा लीजिए ऊपर से, और वहाँ पर आप नीचे एक बढ़िया सा सब्जी रखने की बना लीजिए। इससे इस प्रकार से आपको इससे 5,000 से 6,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट होगा, और आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, मंडी से सब्जी लाना है और फल लेके आना है, और उसे वहाँ पर रख कर सेल करते जाना है। इस प्रकार से आपको डेली करना है तो क्या होगा, आप इससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और फल और सब्जी को डिमांड शहर में तो बहुत ही अधिक है दोस्तों, आप उसे अच्छी ताज़ी फल सब्जियाँ बेचिए, जिससे क्या होगा आपके पास अधिक कस्टमर आएंगे और इससे अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हो।